मिड मार्च तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे, इतना कम हो गया था। और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पब्लिश होगी, दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे, उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। मतलब आप देखिए कि पिछले 3 दिन के अंदर कितनी तेजी से बढ़े हैं। पहले 2 दिन लगभग 8,500 केस थे और कल 24 घंटे में 10,732 केसेस आए। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नजर रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नजर रखे हुए हूं और जो भी करने की जरूरत है हम वो सब कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है, कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसी जरूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर 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 जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार है। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे, आप ये रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे, कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि हमारी वैक्सीन आ गई और उसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है।